पार्टी हित में हर फैसला चाहे वो बड़ा से बड़ा हो लेने को प्रधानमंत्री मोदी तैयार रहते हैं। आपने हरियाणा में परिवर्तन की खबर देखी, अब आपको बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में टेंशन की रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। बिहार में टीम एनडीए में फंस गया बड़ा पेच। सीट बंटवारे पर आपस में जारी घमासान, चिराग अड़ गए, सीट शेयरिंग अटक गई। हाजीपुर सीट पर चाचा भतीजे में आर पार, नीतीश लौट आए लेकिन जंग है जारी। नीतीश कुमार विदेश से लौट आए, दिल्ली में बिहार बीजेपी की तरफ से 17 लोकसभा सीटों का प्रेजेंटेशन तक हो गया, लेकिन कई दिनों के मंथन और चिंतन के बाद भी सीट शेयरिंग की फाइल अटकी और लटकी है। अभी तक चिराग पासवान के नाराज होने की अटकलें थी, लेकिन अब अपने ही भतीजे के खिलाफ चाचा पशुपति पारस ने मोर्चा खोल दिया। सूत्रों के मुताबिक बीते दिन पशुपति नाथ पारस ने बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े से सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग की। मीटिंग के दौरान पशुपति पारस ने साफ कर दिया कि हाजीपुर सीट से वो सांसद हैं और किसी कीमत पर हाजीपुर सीट को नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से पशुपति पारस के सामने प्रस्ताव रखा गया कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी एक बार फिर एक साथ हो जाए। हालांकि भतीजे चिराग पासवान के साथ वापसी की हर संभावना से पशुपति पारस ने इनकार किया। पशुपति पारस का कहना है कि चिराग एनडीए में है, इस पर उनका विरोध नहीं है, लेकिन उनके साथ दल, दिल और परिवार कभी भी नहीं मिल सकता। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने भी हाजीपुर सीट को नाक का सवाल बना रखा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब चाचा भतीजे की लड़ाई का समाधान निकालना है। अगर बात नहीं बनी तो चाचा भतीजे की लड़ाई ही एनडीए में फूट की वजह बन सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। हो जाएगा, अभी तो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, घोषणा होने के पहले। सभी लोग आएंगे, सभी लोग आएंगे। तो क्या बिहार में असली खेला बाकी है? चिराग ने इशारे इशारे में बिहार में एनडीए सरकार पर बड़ा और कड़ा हमला कर दिया। क्या ये हमला चिराग का पाला बदलने का इशारा है? क्या चिराग पासवान एनडीए से दूर हो जाएंगे? कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। चिराग पासवान की सियासी लाइन लेंथ अपने ही गठबंधन के लिए बिगड़ी हुई है। वहीं बीते एक हफ्ते में तेजस्वी यादव चिराग को लेकर दो बड़े बयान दे चुके हैं। तेजस्वी का यही कहना है कि चिराग के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। हमको क्या कहना है, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे। देखिए अब इस पे हमको अभी कोई बात नहीं करनी है, लेकिन आना चाहे तो स्वागत करेंगे, आना चाहे तो समय बताएगा ना। तेजस्वी यादव का कहना है कि चिराग के लिए दरवाजा खुला है, यहाँ तक कि आरजेडी की तरफ से चिराग के सामने एक बड़ा ऑफर भी रखा गया है। अगर चिराग पासवान एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आते हैं तो उनकी पार्टी को बिहार में 8 सीटें जबकि यूपी में 2 सीटें मिलेंगी, यानी कुल 10 सीटों का ऑफर चिराग को दिया गया। तेजस्वी जी के साथ जो है चिराग जी को भी सहयोग करना चाहिए, और दोनों लोग युवा हैं, अगर साथ आते हैं तो हमको नहीं लगता है कि बिहार में दूसरा कोई भी पार्टी या दूसरा कोई भी गठबंधन कामयाब होगा। आरजेडी की तरफ से चिराग को अपने साथ आने का न्योता दिया जा रहा है, चिराग से अपील की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चिराग ने रैली के दौरान नीतीश कुमार पर खुल्लम खुल्ला निशाना साधा। तो क्या चिराग के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है?
हालांकि मीडिया ने जब सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पूछा तो उनका जवाब सुनिए। मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है, मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी कर। मतलब यही है कि चिराग पासवान अभी दो नाव की सवारी एक साथ करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ एनडीए को लेकर बयान दिया तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर जमकर बरस रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान क्या करेंगे अभी तय नहीं, लेकिन सवाल जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का भी है, यानी अब मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, क्योंकि बीजेपी 17 सीटों पर लड़ने की बात कह रही है, जेडीयू भी 17 सीटों से पीछे हटने को तैयार है। अगर 5 सीटों पर चिराग की पार्टी चुनाव लड़ेगी तो पशुपति नाथ पारस का क्या होगा। एनडीए के साथी जीतन राम मांझी की माने तो सभी की अपनी अपनी मांग है, लेकिन जब एनडीए की बैठक होगी तब किसके खाते में कितनी सीट आएगी एकदम साफ हो जाएगा। इसमें इतना जल्दीबाजी की कौन बात है, अगर कोई है तो उसको सभी सीट पर लड़ना नहीं है, ये भाजपा एनडीए को है कि सभी सीट पर लड़ना है, और लड़ना है तो जीतने वाला कैंडिडेट का टोह किया जा रहा है कि हम ऐसा सीट जीते कि 400 सीट कम से कम भारत में लावे और बिहार में 400 सीट लावे, तो वैसी परिस्थिति में सोच समझ के किया जा रहा है। नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हो गई, बीजेपी के साथ सरकार बन गई, लेकिन टीम एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की फाइल लटकी हुई है, तो वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग की फाइल अटकी हुई है। आज तक ब्यूरो। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिराग ये कह रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेकर अब फाइनल हो गई है बात, सब कुछ तय हो गया है, फिर जब स्टेज पर पहुंचते हैं तो भड़क भी जाते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, क्या है ये पूरा मामला और हाजीपुर सीट को लेकर क्या खबर आ रही है, क्योंकि चाहते हैं कि अपने चाचा से अपने पिता की सीट हाजीपुर को रिक्लेम करना चिराग पासवान। अंजना देखिए, जाहिर सी बात है यहाँ पर दबाव की राजनीति जो है वो चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है बीजेपी के ऊपर, जब वो कहते हैं कि उनकी बात हो चुकी है, सब कुछ फाइनल हो चुका है, जबकि ऐसा अभी फिलहाल कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता कि उनकी जो है जो डील है बीजेपी के साथ फाइनल हो चुका है, क्योंकि पशुपति पारस जो है चाचा वो लगातार अड़ंगा डाल रहे हैं सीट शेयरिंग एग्रीमेंट को लेकर। और जब आप देखते हैं वो साहेबगंज में जो रैली का आप जिक्र कर रही थी, वहाँ पर वो नीतीश कुमार के खिलाफ भी जो है वो हल्ला बोल करते हैं, यानी कि गठबंधन में रहते हुए वो गठबंधन के पार्टनर से खिलाफ भी बयानबाजी कर रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर भी बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ हाजीपुर की बात करें तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान ये दावा करते हैं कि पिता की विरासत को मैं संभालूंगा अब आगे से, उधर चाचा कहते हैं कि ये सीट से मैंने जीती है, मैं सांसद हूं तो मैं लड़ूंगा यहां से। तो अंजना बात यह है कि एक एक दिन बीतता जा रहा है और चाचा भतीजे के ही लड़ाई के कारण जो है तकरार के कारण बिहार में जो सीट शेयरिंग का एग्रीमेंट है वो अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है। बीजेपी बीच बीच में बातचीत कर रही है चिराग पासवान से, पशुपति पारस से, लेकिन एक फाइनल जो फॉर्मूला होता है वो किसी सहमति पर कोई लोग निकल के जो नहीं आ पा रहे हैं, और इसकी मुख्य वजह जो है वो चिराग और चाचा पशुपति पारस के बीच की जो तकरार है वो बताई जा रही है। धन्यवाद आपका रोहित इस तमाम जानकारी के लिए।